बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो गाइस, हमारी ये वीडियो चार पार्ट में होने वाली है। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको ये बोल सकती हूँ, एश्योरेंस दे सकती हूँ कि आपका मैक्सिमम पार्ट जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर वन है जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में जो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और ये बनता है कि क्यों हमें इसके बारे में कंसर्न करने की जरूरत है, क्यों हम इसके बारे में सोचे। तो इन सबके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आज हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, डेफिनेटली 110% ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो की टर्म इस चैप्टर में से बनती है वो बनती है बीएमआई, होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एचडीआई इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये जो थर्ड है इन्फैंट मोरालिटी रेट, फोर्थ इज लिटरेसी रेट। तो इन सब के बारे में पढ़ लेना बहुत जरूरी है और डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर थर्ड बनता है वो बनता है पर कैपिटा इनकम क्या होती है और किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है वो है व्हाट आर द इंडिकेटर यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर द मेजरिंग डेवलपमेंट। यूएनडीपी एक संस्था है और वो क्या मेजर लेती है हमारे देश की डेवलपमेंट को मापने के लिए, किस तरीके से वो बताती है कि कितना डेवलपमेंट हमारे देश का हो रहा है। तो ये सारे स्टेप्स आपने इस क्वेश्चन में लिखने हैं। सो ये चार क्वेश्चन थे गाइस जो इस चैप्टर से बनते हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। चलिए अब इस चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो चैप्टर नंबर टू में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट निकल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको आप नरेगा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन 110% आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, हाउ आर द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एक्सप्लेन। तो यहां पर आपको बताना है कि किस तरीके से जो तीन सेक्टर हैं इंडिया में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वो एक दूसरे से कैसे अलग है। ये क्वेश्चन नंबर टू में आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर हैड बीन द बैकबोन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि एग्रीकल्चर हम सब जन जानते हैं कि इस पे तो हमारा देश टिका हुआ है, मैक्सिमम लोग एंगेज भी थे पहले। और यहां से एक क्वेश्चन आता है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर जो था वो बैकबोन था किसका, इंडियन इकोनॉमी का, बट अब वो डिक्लाइन हो गया, धीरे धीरे करके लोग एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं। इन द जीडीपी इज नाउ अ मैटर ऑफ कंसर्न, सीरियस कंसर्न। तो यानी कि जीडीपी में ये चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली है कि अब लोग जो है वो एग्रीकल्चर को छोड़ते जा रहे हैं, राइट। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है, इसके मीनिंग और स्टेटमेंट को कि एग्रीकल्चर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या है और क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए जीडीपी को निकालते समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन सबको मैं ब्रीफली और डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। तो अभी आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट इसी के और देखते हैं क्वेश्चंस। गाइस, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहां से कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपका टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड, कि टर्शरी सेक्टर किस तरीके से अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है इंडिया की डेवलपमेंट में, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस तरीके से टर्शरी सेक्टर सपोर्ट करता है प्राइमरी सेक्टर को और किसे, सेकेंडरी सेक्टर को। ये एक क्वेश्चन हो गया और इसका रिवर्स कर दो आप क्वेश्चन, कि किस तरीके से जो प्राइमरी सेक्टर है वो टर्शरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करता है और किस तरीके से सेकेंडरी सपोर्ट करता है टर्शरी और प्राइमरी को। तो ये इंटर रिलेटेड है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही इसका एक
पूरा आपको याद करा दिया है कि आप इन तीनों के बारे में पढ़ लो कि क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर है पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। पब्लिक सेक्टर किस तरीके से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है इंडिया के डेवलपमेंट में, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, आगे दे रखा है एक्सप्लेन व्हाई सर्विस सेक्टर इज गोइंग मोर इम्पोर्टेंट। क्यों सर्विस सेक्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में। ठीक है, किस तरीके से जो आपका सर्विस यानी कि टर्शरी सेक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कैसे, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बोल देना चाहती हूँ, अगर आपको यहाँ पर मेरी राइटिंग में कुछ भी इश्यू है तो आप नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको प्रॉपरली लिखे हुए मिल जाएंगे क्वेश्चंस, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 3 पे मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 3 कह रहे बेटा, क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट, डीडी क्या होता है, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर ऑफ इट, और आपको डिमांड डिपॉजिट के 3 फीचर्स बताने हैं। आ सकता है आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। नेक्स्ट है हाउ डज मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किस तरीके से जो आपका पैसा है, मनी है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में जो है काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहां से ना आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, और हो सकता है कि वो आपको एक केस स्टडी के तौर पे आपको फंसाए यहाँ पर। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या होता है, किस तरीके से। फॉर्मल सोर्स में तो हम सब जन जानते हैं कि बैंक में गए और हमें लोन मिलेगा, राइट, और वो ऐसे तो देंगे नहीं, आपको कोलेटरल रखनी पड़ेगी। ठीक है, और रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, और लेकिन एक बेनिफिट होता है कि ना उसमें हम बोल सकते हैं सिक्योर लोन होता है प्लस इंटरेस्ट रेट कम होता है। वहीं पे जो इनफॉर्मल सोर्स होता है काफी ज्यादा महंगा, हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करता है। और इसी तरीके से जो मनी लेंडर्स हैं, जमींदार हैं, वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो ये वाली चीज जो है आप देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनता है कि एक लड़का है उसको लोन चाहिए घर लेने के लिए। ठीक है, तो वो किस तरीके से लोन लेगा और क्या फॉर्मल सोर्स से अगर लेता है तो जो आपका बैंक है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगेगा। तो डेफिनेटली वो कोलेटरल मांगेगा, और आपका बैंक 6 महीने में कितना आपकी सैलरी क्रेडिट होती है वो सारी चीजें देखता है। ठीक है, तो वो सब चीज आपको बतानी पड़ेगी। अभी तक व्हाई इज चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री डेवलपमेंट, एक्सप्लेन एनी 3। कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो है, सस्ता क्रेडिट, सस्ता उधार क्यों जरूरी है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ऑब्वियसली ताकि जो छोटे से छोटा इंसान है वो भी अपना कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए हमारे भारत को, तो इसलिए ये होना जरूरी है। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ये भी मेरे को लगता है। नेक्स्ट आ जाता है, ये तो 100% है, सेल्फ हेल्प ग्रुप तो 100% ही आना है, लिखवा के ले लो। और ऐसा भी नहीं है कि कम मार्क्स का आएगा, ज्यादा मार्क्स का आएगा, तो इसके बारे में हम बेहतर तरीके से देखेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं इनकी वीडियो जल्दी से बनाऊं तो जल्दी से जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डू रूरल बोरोवर्स डिपेंड इन द फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट। जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि जो गाँव के जो लोग होते हैं वो किस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर्स यानी कि इनफॉर्मल, मैंने आपको बताया, जमींदार पे डिपेंड होते हैं क्रेडिट लेने के लिए। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें ना ज्यादा पता नहीं होता बैंक्स वगैरह के बारे में, और हम बोल सकते हैं वो डरते हैं यार कि बैंक में जाएंगे वो इतनी सारी चीजें मंगवा लेंगे, हमारे पास है नहीं, तो उनके पास कोलेटरल भी नहीं होता है, तो वो कहाँ अप्रोच करने चले जाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के पास। और वहां अगर चले गए तो बस उनकी जिंदगी खराब है, मैं आपको लिख के दे रही हूँ चीज। क्यों? क्योंकि उनसे भैया इंटरेस्ट मांगेंगे इतना ज्यादा और वो चुका नहीं पाते, और जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ जाता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब लास्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, ग्लोबलाइजेशन। चलिए, सो गाइस चैप्टर नंबर 4 पे मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका बहुत प्यारा चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन, सबसे आसान चैप्टर लगता है ये तो। तो ग्लोबलाइजेशन में सबसे पहले तो ये पूछेगा कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बता दीजिए। सो इसमें जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं और जो पॉजिटिव चीजें हैं वो लिखनी है, और जो नेगेटिव है वो लिखनी है। नेक्स्ट है हाउ कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्ले अ मेजर रोल टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। ये क्वेश्चन ना आपका कंबाइन होके भी आ सकता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इम्पैक्ट बताओ, और किस तरीके से गवर्नमेंट का क्या रोल बनता है ग्लोबलाइजेशन को फेयर करने के लिए। बेसिकली किस तरीके से जो हमारी सरकार है वो सपोर्ट करेगी हमारे देश के लोगों को ताकि वो बड़ी बड़ी एमएनसीज का मुकाबला कर सके, ये सारी चीजें आपने इसमें लिखनी है।
एक्सप्लेन भी कर देना एक एग्जाम्पल के साथ. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991. देखो अगर पेपर अच्छा आया ना तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, इसमें बेसिकली आपने एलपीजी के बारे में एक्सप्लेन करना है. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट जो बनता है आपका, इसमें बनता है फाइव फैसिलिटीज बताओ अवेलेबल इन दी सेस. सेस क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ये क्या होता है भाई? इसमें ये है कि सरकार जो है वो अट्रैक्ट करती है फॉरेन कंट्री के लोगों को, ताकि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो हमारे देश में आके पैसा लगाएं और ये उन देशों में, उन स्टेट्स में भी डेवलपमेंट कर पाए जहां पर कोई जाना नहीं जाता. ठीक है, जैसे आपकी राजस्थान हो गई, हम सब जन जानते हैं कि वो इतनी बड़ी स्टेट है लेकिन वहां पर 5% रहती है हमारी पॉपुलेशन. क्यों? क्योंकि वहां पर डेफिनेटली क्लाइमेट उतना सही सूट नहीं करता लोगों को. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, जो बाहर से देश के लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे हम आपको टैक्स कम कर देंगे, 5 साल तक आपको देना ही नहीं है टैक्स, तो लोग अट्रैक्ट होने लग जाते हैं. दूसरी चीज, हमारे देश में जो लेबर है वो बहुत सस्ती मिल जाती है, तो लोग आके यहाँ पर निवेश करते हैं. और उससे होगा क्या कि वो लोग जो राजस्थान में रह रहे हैं ना, या ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जहां पर कोई जाना नहीं चाहता, वहां पर लोगों को काम मिल जाएगा और उन्हें माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा दूसरे शहरों में. तो मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगी, अभी मैंने बस ब्रीफ कर दिया है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने लिखनी है. आगे देखते हैं, एक फोर्ड मोटर वाला है, आपको सभी को पता है कि केस स्टडी आ रही है, उसमें से ये तो डेफिनेटली बनती है कि फोर्ड मोटर्स के बारे में केस स्टडी समझा दीजिए. तो आप लिख दीजिएगा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, व्हाट इज WTO. WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. भैया ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो व्यापार में हमें सपोर्ट करती है. सो दिस इज इट. ये यहां पर हमारी इकोनॉमिक्स डन हो गई है. ठीक है, अब जो केस स्टडी की है क्वेश्चंस वो मैं अलग से लेके आऊंगी, फिर भी मैंने बता दिया कि ये बनता है क्वेश्चन. आगे मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं और यूजफुल लगी हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. और नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो भाई कि किस चीज की वीडियो चाहिए आप लोगों को, क्या है सब्जेक्ट जिसमें आपको डाउट हो रहा है, ताकि मैं उस पर प्यारी प्यारी वीडियोस बनाऊं. और थैंक यू गाइस.